आज का फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट चैप्टर ऑफ लॉजिकल रीजनिंग, दैट इज नंबर सीरीज। सबसे पहला टॉपिक है हमारा नंबर सीरीज। ये टॉपिक बहुत सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के अंदर भी आता है और अब हमारे सीए फाउंडेशन के पेपर में भी है। अब यहाँ पर हमें करना क्या होगा, नंबर सीरीज टॉपिक में हमें किस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे और उसको सॉल्व कैसे करना है। तो जैसा कि हमें पता है नंबर सीरीज, तो एक सीक्वेंस हमें गिवन होगी और उस सीक्वेंस के अंदर कहीं ना कहीं एक स्पेस, एक वर्ड ब्लैंक होगा, तो हमें वो मिसिंग फिगर फाइंड आउट करना है। तो उस सीरीज का पैटर्न क्या है, सबसे पहले हम ये आइडेंटिफाई करेंगे और उस पैटर्न के बेसिस पे, उस लॉजिक के बेसिस पे हमें वो मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर नंबर सीरीज। आपको स्क्रीन पे जैसा कि दिख रहा है, नंबर सीरीज के बारे में लिखा है, अ सीरीज ऑफ वेरियस नंबर्स इज गिवन विद अ ब्लैंक स्पेस। एक स्पेस हमें ब्लैंक मिलेगा एंड वी आर सपोज्ड टू फाइंड आउट अ पैटर्न। हमें उस पैटर्न का पता लगाना है बिटवीन एवरी नंबर एंड इट्स प्रेडिसेसर एंड फाइंड आउट द आंसर यूजिंग द सेम लॉजिक। तो उस पूरी सीरीज में कौन सा लॉजिक अप्लाइड है, हमें उसी लॉजिक से मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है। तो अब हम इसको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। तो कौन कौन सी कैटेगरीज बनी हैं वो देखेंगे। फर्स्ट कैटेगरी इज सीरीज विद अ कॉन्स्टेंट डिफरेंस। हमें कोई सीरीज दे रखी होगी जिसके बीच का जो गैप है, उस सीरीज में जितने भी नंबर्स हैं उनका गैप इक्वल होगा, कांस्टेंट होगा। सेकंड वन, सीरीज विद इंक्रीजिंग डिफरेंस। थर्ड वन इज सीरीज विद डिक्रीजिंग डिफरेंस। देन स्क्वायर्स एंड क्यूब सीरीज एंड लास्ट वन इज कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस। ओके, चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट कैटेगरी। तो फर्स्ट कैटेगरी आ रहा है आपके सामने स्क्रीन पे, सीरीज विद अ कांस्टेंट डिफरेंस। जैसा कि आपको एग्जांपल दिख रहा है स्क्रीन पे, 1, 5, 9, 13 एंड देन क्वेश्चन मार्क। तो यहां पर अगर हम आइडेंटिफाई करें 1 एंड 5 कितना गैप है, +4, 5 to 9 अगेन +4, 9 to 13 इज ऑल्सो +4। तो नेक्स्ट नंबर क्या होना चाहिए, 13 + 4 दैट इज 17। 17 इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो ये हमारी फर्स्ट कैटेगरी। अब ये जो डिफरेंस है ये इंक्रीजिंग भी हो सकता है और डिक्रीजिंग भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हमें सीरीज दे रखी है 50, 46, देन 42, 38 एंड -। तो अब यहां पर नेक्स्ट नंबर क्या होगा, तो पैटर्न हमें समझ आ गया होगा, 50 से 46 कैसे आएगा, -4, 46 to 42 इज अगेन -4, 42 to 38 इज -4। तो नेक्स्ट नंबर 38 - 4 इज 34। ओके, सो दिस इज द सीरीज विद कांस्टेंट डिफरेंस। नेक्स्ट, सीरीज विद इंक्रीजिंग डिफरेंस। इंक्रीजिंग डिफरेंस, अब हमारा जो एग्जांपल है, लाइक नंबर पहले था हमारा 1 और 1 से कितना हो गया 2, तो +1 हुआ है। 2 to 4, तो 2 से 4 कब बनेगा, व्हेन 2 इज एडेड। 4 से बना है 7, तो +3, नेक्स्ट इज +4 एंड देन +5। तो पैटर्न अब हमें समझ आ रहा है, +1, +2, +3, +4 एंड +5। तो नेक्स्ट नंबर के लिए अब हमें क्या करना है, तो नेक्स्ट नंबर के लिए हम करेंगे +6, तो 16 + 6 ये फिगर आएगा 22। ओके, नेक्स्ट
सीरीज विद डिक्रीजिंग डिफरेंस, जहां पर डिफरेंस हमारा कम हो रहा है, पहले से रिड्यूस हो रहा है। तो इस बार हम एग्जाम्पल गिवन है 16 एंड 16 के बाद में है 11, तो 16 से 11 कैसा आएगा? माइनस 5, 11 टू 7, इन दोनों का डिफरेंस तो माइनस 4, 7 माइनस 3 तो आता है 4, 4 माइनस 2, नाउ द लास्ट नंबर। तो पैटर्न आपको समझ आ गया है, माइनस 4, माइनस 3, माइनस 2 एंड एट लास्ट माइनस 1, तो हमें माइनस 1 करना है, तो 2 माइनस 1 इज 1, ओके, सो 1 इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से हर सीरीज में हमें लॉजिक फाइंड आउट करने हैं, क्लियर। नेक्स्ट इज कैटेगरी नंबर 4, स्क्वेयर्स और क्यूब सीरीज। तो अब जैसा कि आप पे लिखा है स्क्वेयर्स, तो हमें नंबर के स्क्वेयर्स पता होने चाहिए, क्यूब्स हमें पता होने चाहिए, तभी हम इसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट नंबर इज 1, फिर लिखा है 9, 9 के बाद 25 एंड देन 49। तो अब यहां पर इक्वल डिफरेंस नहीं है, यहां पर क्या बन रहा है, 9 मीन्स 3 स्क्वेयर, 25 मीन्स 5 स्क्वेयर एंड 49 मीन्स 7 स्क्वेयर। तो यहां पर हमें क्या पता लग रहा है, सिस्टम क्या बनेगा, 1 कैन बी रिटन एज 1 स्क्वेयर, 9 मीन्स 3 स्क्वेयर, 25 इज 5 स्क्वेयर एंड 49 इज 7 स्क्वेयर्स। तो अब हम यहां पर पैटर्न आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि ये सारी है स्क्वेयर सीरीज, और स्क्वेयर भी किसका है, ऑड नंबर्स का है, पहले 1 का स्क्वेयर, देन 3 स्क्वेयर, 5 स्क्वेयर एंड 7 स्क्वेयर। तो नेक्स्ट नंबर क्या होना चाहिए, तो नेक्स्ट ऑड नंबर इज 9, और 9 का स्क्वेयर कितना होगा, 81, तो 81 इज द करेक्ट आंसर, ओके। तो दिस इज द स्क्वेयर सीरीज। अब देखा जाए तो ये एग्जाम्पल काफी इजी था, अगर कोई बड़े नंबर का स्क्वायर गिवन है तो उसको फाइंड आउट कैसे करेंगे, उसे फाइंड आउट करने के लिए हमें कुछ स्क्वायर्स एंड क्यूब्स याद होने चाहिए। तो कहां तक याद करना है, तो अभी हम सबसे पहले कुछ स्क्वायर्स एंड क्यूब्स याद कर लेंगे, ताकि हमें आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में डिफिकल्टी ना हो, ओके। तो चलिए नोटबुक्स निकाल लें और सबसे पहले लिखना शुरू करेंगे स्क्वायर्स एंड क्यूब्स, राइट। तो हेडिंग डाल दें स्क्वायर्स। वैसे ये काम आप लोग अपना भी कर सकते हैं, बट फिर भी हम एक बार क्लास में डिस्कस कर लेते हैं, उससे क्या होगा, आपको याद ज्यादा रहेगा, एक आसानी से आप याद उसे रख पाएंगे, राइट। तो सबसे पहले नंबर्स हम लिख लेते हैं, वन, वन का स्क्वायर क्या होता है, वन, टू स्क्वायर इज 4, थ्री स्क्वायर इज 9, फोर स्क्वायर इज 16, फाइव स्क्वायर इज 25, सिक्स स्क्वायर इज 36, सेवन स्क्वायर इज 49, एट स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर इज 81 एंड 10 स्क्वायर इज 100। अब यहां तक तो नॉर्मली सभी को याद रहता है, अब इसके बाद में, इसके बाद नेक्स्ट सीरीज हम लिखेंगे, इलेवन, ट्वेल्व, थर्टीन,
14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20. अब इन सब के स्क्वायर्स लिखते हैं. 11 स्क्वायर इज 121. 12 स्क्वायर 144. 13 स्क्वायर इज 169. 14 स्क्वायर 196. 15 स्क्वायर इज 225. 16 स्क्वायर इज 256. 17 स्क्वायर is 289, 18 square is 324, 19 square is 361 and 20 square is 400. Okay, तो ये हो गए 20 तक के squares. 20 तक कुछ student को याद होते हैं and कुछ को नहीं होते हैं. तो better क्या है? हम लिखने के साथ साथ ही इसे याद कर लें. Because घर का काम हमारा कम हो जाएगा. तो जितना ध्यान हम class में देंगे, तो घर पे आपको उतना focus कम करना रहेगा. राइट चलिए नेक्स्ट लिखते हैं नंबर 21 to 30. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 and 30. Now 21 square 441. 22 square is 484. 23 square is 529. 24 square 576. 25 square is 625. 26 square is 676. 27 square is 729. 28 square is 784, 29 square 841 and the last one 30 square is 900. तो ये सारे स्क्वायर्स हमें अच्छे से ऑलवेज याद होने चाहिए. ओके, जितनी ज्यादा हम फिगर्स याद रखेंगे उतनी कैलकुलेशन हमारी फास्ट होने वाली है. और ना सिर्फ लॉजिकल रीजनिंग में, हर वो प्रैक्टिकल पेपर में जहाँ पर कैलकुलेशंस आती है वहाँ आपकी स्पीड बढ़ने वाली है, चाहे वो अकाउंटेंसी हो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो, कॉस्टिंग हो या और कोई पेपर. और हर लेवल पे आप अपनी जो स्पीड है वो इंक्रीज कर पाएंगे, फाउंडेशन है, इंटर या फिर फाइनल या और कोई एग्ज़ाम. तो हर जगह आपकी स्पीड इम्प्रूव होगी सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन की वजह से. ओके, तो सबसे पहला काम आपको आज क्या करना है, सारे स्क्वायर्स याद रखने हैं, दैट इज फ्रॉम 1 to 30. सो अब स्क्वायर्स के बाद अब हम लिखना शुरू करेंगे क्यूब्स. लेकिन क्यूब्स हमें क्या 1 से लेके 30 सारे क्यूब्स याद रखने हैं? नो, क्यूब्स आपको याद रखने हैं ओनली अप टू 10. नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 इसके सारे क्यूब्स हमें याद रखने हैं एंड स्क्वायर याद रखेंगे अप टू 30. ओके, चलिए क्यूब लिखना अब हम शुरू करेंगे. सो नंबर्स फ्रॉम 1 to 10. नंबर 1, 1 का क्यूब क्या होता है? ऑफ कोर्स 1. 2 क्यूब इज 8. 3 क्यूब इज 27. 4 क्यूब इज 64. 5 क्यूब इज 125. 6 क्यूब इज 216. 7 क्यूब इज 343. 8 क्यूब इज 512. 9 क्यूब इज 729 एंड लास्ट वन 10 क्यूब is 1000. तो ये हो गए हमारे सारे क्यूब्स. राइट, अब अगर सीरीज में मान लो गिवन आता है 27 64 125, फाइंड आउट द नेक्स्ट नंबर. तो हमें सीरीज में क्या दिया है? 27 64 125. तो नेक्स्ट नंबर क्या बन जाएगा? 216. तो इस तरीके से हमें लॉजिक या पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है और फिर मिसिंग फिगर कैलकुलेट होगा. राइट, चलिए इसे अच्छे से नोट डाउन कर लें
और फिर हम आएंगे हमारी नेक्स्ट कैटेगरी एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल पे. Got it? अब नेक्स्ट एक सेकेंड एग्जाम्पल हमें दे रखा है, वन एंड वन, फिर टू फोर थ्री नाइन एंड सो ऑन. अब ये सीरीज कैसे बनी है ये हमें आइडेंटिफाई करना है. तो देखें, वन एंड वन से हमें क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है, बट टू एंड टू के साथ में लिखा है फोर, थ्री एंड थ्री के साथ में लिखा है नाइन. दैट मीन्स पहले एक नंबर लिखा गया और फिर उस नंबर का स्क्वायर, देन नेक्स्ट नंबर एंड फिर उसका स्क्वायर एंड सो ऑन. तो ये पैटर्न हमें इस सीरीज में दिख रहा है. तो पहले वन एंड वन, टू एंड फोर, थ्री एंड नाइन. ओके, तो वन एंड वन स्क्वायर, टू एंड टू स्क्वायर, थ्री एंड थ्री स्क्वायर, फोर एंड नेक्स्ट नंबर होगा फोर स्क्वायर विच इज 16, राइट? देन नेक्स्ट वन, थर्ड एग्जाम्पल में आपको क्या दे रखा है, नंबर 9, 28 क्वेश्चन मार्क एंड 126. अब देखा जाए तो ये परफेक्ट स्क्वायर या क्यूब्स किसी के हमें नहीं दिख रहे हैं, सिर्फ एक नंबर 9 है जो हमें जैसा लगा है कि 3 का स्क्वायर है, बट बाकी कोई नंबर ऐसा नहीं है और ना ही उसमें कोई इक्वल इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग डिफरेंस समझ में आ रहा है. लेकिन अगर हमें क्यूब्स याद है, लाइक 2 का क्यूब है 8 बट यहां नंबर लिखा है 9, 3 का क्यूब है 27 लेकिन यहां नंबर लिखा है 28, फिर एक ब्लैंक, देन 5 का क्यूब इज 125 बट नंबर लिखा है 126. दैट मींस जो भी परफेक्ट क्यूब है उसका नेक्स्ट नंबर यहां पर लिखा गया है. तो अब यहां पे हमें लॉजिक थोड़ा समझना पड़ेगा, 9 कैसे बना है. 9 बना है 2 क्यूब प्लस 1, देन 28 कैसे बना है, 3 क्यूब एंड प्लस 1, फिर डैश एंड 126 बना है 5 क्यूब प्लस 1. तो मिसिंग फिगर क्या होगा, तो मिसिंग फिगर होगा 4 क्यूब प्लस 1. नाउ 4 क्यूब कितना होता है, 64 प्लस 1 इज 65, तो 65 आ गया हमारा मिसिंग फिगर, राइट? और अब आता है हमारा लास्ट पैटर्न, लास्ट कैटेगरी, और वो है कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस. कि हमने ऊपर जो भी चीजें डिस्कस की है इनमें से कुछ भी मिक्स एंड मैच अलग अलग कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं. तो यहां पर थोड़ा सा हमें माइंड यूज करना पड़ेगा, थोड़े से टफ क्वेश्चन लग सकते हैं, लेकिन हम जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे वो क्वेश्चन हमें उतना ही आसान लगेगा. ओके, सबसे पहला हम एग्जाम्पल लेते हैं, 6, 10, 7, 11, 8, 12 एंड सो ऑन. तो इस बार अगर हम डायरेक्ट गैप निकाल कर देखें, प्लस 4 हमें दिख रहा है, फिर माइनस 3, प्लस 4, माइनस 3, अगेन प्लस 4, तो नेक्स्ट नंबर कैसे आएगा, माइनस 3 हम कर सकते हैं, 6 प्लस 4 10, माइनस 3 7, प्लस 4 11, माइनस 3 इज 8, प्लस 4 इज 12 एंड देन माइनस 3 विल बी 9. ओके, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का दूसरा मेथड भी हो सकता है. तो कहीं बार एक सीरीज को हम मल्टीपल वे से सॉल्व कर सकते हैं, देयर कैन बी 2 मेथड्स, 3 मेथड्स और मेनी मोर. तो हमें जैसा कन्वीनियंट लगे उस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं. तो सेकंड मेथड क्या हमें समझ आ रहा होगा,
6 and 10, 7, 11, 8 and 12, and then question mark. अब हम इसको अगर ध्यान से देखें, number 6, फिर एक हमने space छोड़ दिया, number 7, again space, number 8, then space, तो next number होना चाहिए, number 9. तो यहां पर दो series एक साथ में चल रही है, 6, 7, 8, 9, and second series क्या बन रही है, 10, 11, 12, और उसके बाद में 9 के बाद में आ जाएगा 13. ओके, तो यहां जो क्वेश्चन मार्क है उसका आंसर तो क्या होगा, 9, और 9 का नेक्स्ट टर्म अगर हमें फाइंड करना पड़े तो आंसर आ जाएगा 13. तो इस तरीके से भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, राइट. सो ये हो गया हमारा सारा बेसिक पार्ट.